वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मूली के पत्ते के चीला बनाऊंगी, जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। आप चाहे इसमें बेसन, मक्का का आटा, ज्वार का आटा, जो आटा आपको अच्छा लगे वही मिक्स कर लें। सर्दियों के सीजन में तो आजकल सब मक्का ज्वार ज़्यादा यूज करते हैं, या तो आप गेहूं के आटा बना लें चाहे मिक्स कर लें, हेल्दी तो होता ही है, तेल बहुत कम लगता है। और मूली के पत्ता दोनों ही फायदेमंद होते हैं हमारे सेहत के लिए। मूली के पत्ता सब फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। इसका परांठा बना लें, चीला बना लें या सब्जी बना लें, और इसी तरह मूली से भी बना लें। मूली के पत्ते के जूस पीने से पीलिया की बीमारी में काफ़ी फायदा करता है और खून साफ होता है। जिनके बवासीर की बीमारी होती है उनको भी बहुत फायदा करता है मूली के पत्ते का जूस। तो चलते हुए किचन में आज मैं मूली के पत्ते के चीला बना लेती हूँ। मूली के पत्ते के चीला बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह मूली को 4 से 5 बार धोएं और साफ पानी से, तो उसका पत्ता निकाल लें। जो मूली के ये डंठल है उसे ना निकालें, ये पत्ता निकालें जो मैं निकाल कर तैयार कर ली हूँ ये, और बारीक बारीक काट भी ली हूँ। पानी सूख जाए तब बारीक बारीक काट लें। तो इसमें हम गेहूं का आटा डाल लेंगे। आटा को मैं छान ली हूँ और थोड़ा सा मैं मक्का का आटा डाल दे रही हूँ। आप बेसन भी डाल सकते हैं या कोई भी आटा डाल लें। बारीक काट कर 2 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप ज़्यादा पसंद करें तो ज़्यादा कर लें, कम पसंद करते हों तो कम कर लें। कुछ लहसुन के कलियाँ जो मैं इसको क्रश करके डाल रही हूँ, अच्छा टेस्ट आता है। 1 इंची अदरक ग्रेट करके डालूंगी, लगभग 1.5 चम्मच है। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे क्रश करके, टेस्ट अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए अच्छा है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ना पसंद हो तो ना डालें। आधा चम्मच जीरा पिसा हुआ डाल देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक आप डाल लें। मूली के पत्ता ये जो काट कर रखी हूँ इसे डाल दूँगी मैं। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। और ये हरी धनिया की पत्ती है, इसे भी डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है। मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ना डालें। इसका बैटर तैयार कर लेंगे, घोल लेंगे अच्छे तरीके से, पानी हम और डाल लेंगे। चीला का बैटर तैयार कर लिए, इस तरीके से होना चाहिए। कोई भी सब्जियां डालकर अगर आप चीला बनाएंगे थोड़ा मोटा बनेगा, क्योंकि इसमें सब्जियां रहती हैं तो ज़्यादा पतला नहीं बना सकते हैं। गैस पे हम एक पैन रख दिए हैं, आप तवा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। मैं तिल का तेल यूज कर रही हूँ, आप घी बटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। गैस का फ्लेम इस वक्त कम करके तभी इस बैटर को फैलाएं, अगर तेज करके फैलाएंगे तो फैलेगा नहीं। थोड़ा डालेंगे और इसको फैला देंगे। ये बहुत पतला और बहुत गोल नहीं होता है, किसी भी बैटर में आप सब्जी मिला दो तो ऐसे ही चीला बनता है। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, अगर गोल ज़्यादा करना हो तो ऐसे साइड साइड से कर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा डालें। थोड़ा सा ऊपर से सूख जाए, अभी जो गीला लग रहा है तब पलट देंगे। ये नीचे से पक चुका है, छोड़ दे रहा है, इसे हम पलट लेंगे। इस तरफ भी पकड़े देंगे, नीचे पे देख लेंगे, अभी थोड़ा कच्चा है, इस तरफ और थोड़ा पका लेंगे। मूली में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हाई फाइबर होने के नाते डाइजेशन में बहुत फायदा करता है। हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है मूली, या मूली के पत्ता हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये चीला भी पक चुका है, बढ़िया पका है, निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ज़्यादा तेल नहीं यूज करना है, और गैस का फ्लेम लो रखें। दोबारा से हम घोल डाल देंगे, 1.5 कलछुल डालेंगे, फैला देंगे।
कुछ बूंदे तेल के डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जो गीला लग रहा है सूखने देंगे, उसके बाद पलट लेंगे। ऊपर की तरफ कलर थोड़ा चेंज हुआ है, हम इसे पलट लेंगे, इस तरफ भी पका लेंगे। अब देख लेंगे नीचे की तरफ से चीला पका कि नहीं, ये देखें कैसे चिट्टी पड़ी है, पक चुका है, इसे भी हम निकाल देंगे। सेम तरीके से मुझे जितना चीला बनाना है बनाकर तैयार कर लेंगे। चीला के साथ खाने के लिए हेल्दी चटनी बनाएंगे, और धनिया, आंवला, हरी मिर्च है 4-5, लहसुन हम धोकर काट लिए हैं। हम एक मिक्सी की जार लेकर इसमें पहले धनिया डाल ले रही हूँ और हरी मिर्च, ये आंवला सारा डाल लेंगे साथ में। एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें, थोड़ा पानी डालेंगे ताकि आराम से चटनी पीस जाए। चटनी पीस कर तैयार कर लिए। चीला के साथ धनिया और आंवले की चटनी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है ये चटनी। चीला और चटनी दोनों तैयार हैं, दोनों हेल्दी हैं। देखें कितना मुलायम बना है, एकदम बिल्कुल मुलायम है। दही के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी तो नहीं चाहिए। इस तरीके से बनाएं, खाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें। तो इस तरीके से आप मूली के पत्ते के परांठा बना लें, चीला बना लें या सब्जी बना लें, सब हेल्दी होता है। और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक करें और शेयर करें। मैं आप सबसे अपील करूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।